અને હવે વાત કરીશું ડેમના ડખાની, રાજસ્થાન વર્સિસ ગુજરાતની। राजस्थान सरकार नो निर्णय गुजरात सरकार नी ऊंघ हराम। डेम भले राजस्थान नी हद में बनी रह्यो होय, परंतु डेम निर्माण पहला गुजरात सरकार नी चिंता वधी गई छे। आ मुद्दे बांधो नोंधावता गुजरात ना पाणी पुरवठा प्रधाने केन्द्र सरकार ने पण लख्यो छे पत्र। टीवी 9 साथे नी वातचीत में पण पाणी पुरवठा प्रधान कुंवरजी बावड़ियाए राजस्थान सरकार पर गंभीर आक्षेप लगाव्या छे। कुंवरजी नो आरोप छे के चूंटणी ना कारणे गहलोत सरकार जाणी जोईने विवाद फैलावी रही छे। राजस्थान सरकार जरे नजीक में चूंटणीओ आवे छे एने ध्यान में राखीने फरी एवुं लागे छे के फरी आ मुद्दो उछाळ्यो छे। सीडब्ल्यूसी नी मंजूरी पण लीधी नथी, फक्त खोटा मिसगाइड करवा माटे अने गैररस्ते दोरवा माटे अने लोकोने उश्केरवा माटेनो एक प्रयत्न छे। जो राजस्थान सरकार त्यां 3 डेम बांधवानी वात करे अने जो एमांथी पाणी डायवर्ट थाय तो लगभग 6% जेवुं पाणी आपणने धरोई डेममां ओछुं मळे, जेने कारणे आपणने थोडुं नुकसान थाय। गुजरात सरकारे राजस्थान सरकारना निर्णय सामे वांधो उठावीने केन्द्र सरकारने पत्र लख्यो, त्यारे कुंवरजीए हुंकार कर्यो के जो न्याय नहीं मळे तो गुजरात सरकार कोर्टना द्वार खखड़ावता पण नहीं अचकाय। એ તો વિરોધ નોંધાવે, પણ જે સરે થયેલા કરારો એ પ્રમાણે તેને વર્તવું જ પડશે, એટલે નહીં જાય તો કદાચ જરૂર પડે તો રાજ્ય સરકાર એની માથે ભારત સરકારને ભારત સરકાર જરૂર પડે તો કોર્ટમાં જવાની પણ રાજ્ય સરકારની તૈયારી છે। છે કે પાછલા 5 વર્ષથી ગુજરાત અને રાજસ્થાન વચ્ચે ડેમ નિર્માણ મુદ્દે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં ડેમ મોટા વિવાદનું કારણ બને તો નવાય નહીં।